स्टार्ट करते हैं XML 3.3। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को टेक्स्ट बुक में बोला गया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल है क्या? दो टर्म्स अगर मल्टीप्लिकेशन से रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रूल के लिए मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो यहां पे मैं नोट करके रखा हूं। फॉर्मूला क्या है यहां पे? इंटीग्रेशन ऑफ यू इनटू वी, यू एंड वी प्रोडक्ट में फॉर्म में है या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में? तो यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी, वी एज इट एंड डेरिवेटिव ऑफ यू इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वी एंड पूरे का अगेन इंटीग्रेशन, ठीक है। इस पॉइंट पे एक इंपॉर्टेंट क्या है, हमेशा मुझे इंटीग्रेशन वी रहना है, ठीक है। तो u as it is इंटीग्रेशन v, ब्रैकेट के अंदर u का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन v एंड पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, as on है। इस फॉर्मूले को as it is प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो, u का डेरिवेटिव ले रहे हैं, v का इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो क्वेश्चंस अगर आपके पास आ गया तो किसको u लोगे एंड किसको v लोगे ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने नोट लिखा हुआ है। नोट क्या है कि अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ लिएट, LIAT मींस क्या था ये, लॉग इनवर्स अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, इस सीक्वेंस में जो पहला आएगा उसको यू बोलोगे, जो सेकंड आएगा उसको क्या बोलोगे, वी। फॉर एग्जांपल मेरे पास दिया एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डीएक्स, दो टर्म है यहां पर। अब मुझे किसे यू लेना है तो बोलो कि कौन सा टाइप का टर्म है, ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अलजेब्रिक शायद पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, इसलिए अलजेब्रिक क्या होगा, यू हो जाएगा। तो ये वाला टर्म क्या होगा, यू, और ये टर्म क्या होगा, वी। आया समझ में? ठीक है, एक एग्जांपल और देखो। अगर मेरे पास दिया है यहाँ पे साइन ऑफ योर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स डीएक्स, किसको यू लोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉग। तो लॉग पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, इसलिए लॉग को क्या बोलोगे, ये सर मेरा यू है और ये क्या है, वी है। अब समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो पहले डिसाइड करो किसे यू लेना है किसे वी लेना है, यू एंड वी डिसाइड हो गया तो ये फॉर्मेट में डाल दो, ठीक है। फॉर्मेट में डाल के यहां पर क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेशन लेना है, डेरिवेटिव लेना है, इसको कंबाइन करना है, फिर से इंटीग्रेट करना है। इसका नाम बायपार्ट्स इसलिए रखा गया है बिकॉज हमने क्या किया, टोटल इंटीग्रेशन को ब्रेक करके पार्ट्स पार्ट्स में करके इंटीग्रेट किया हुआ, इसलिए इसका नाम बायपार्ट्स भी बोला गया, ठीक है। तो ये पहला नोट समझ में आ गया। अब सेकेंड नोट मैंने कुछ और बनाया हुआ है कि इंटीग्रेशन में कभी आ गया आपके पास आ गया ओनली लॉग एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। मैंने बेसिक इंटीग्रेशन आपको अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल सिखाया था, तीन टर्म सिखाया था, होते कितने, पांच टर्म। लॉग एंड इनवर्स नहीं सिखाया था। तो लॉग और इनवर्स का इंटीग्रेशन हम किसे सॉल्व करेंगे, बाय पार्ट से या प्रोडक्ट रूल से, ओके। अब लॉग का इंटीग्रेशन लेने के लिए क्या करूं, मैंने नोट टू लिखा हुआ है कि अगर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लेना है, लॉग के साथ कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला भी नहीं है लॉग के लिए, तो यहां पर क्या करोगे, इंटू वन करना है और यहां पर लगाना है बाय पार्ट। तो अब यू किसको लोगे, लॉग को हमेशा यू लेना है एंड वन को वी लोगे। सिमिलरली फॉर इनवर्स आ गया, मैंने यहाँ पे सिर्फ साइन इनवर्स लिखा, दिस इज फॉर ऑल, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, सबके लिए। अगर ओनली इनवर्स आया तो इनटू वन करोगे, ठीक है। इनटू वन करने पर इनवर्स को यू लोगे एंड वन को वी लोगे, एंड क्या यूज करोगे, ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को हर जगह हमेशा भी यूज किया जाता है, बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बट आपके लिए क्या है, प्रोडक्ट रूल है ये। जब भी अगर टर्म्स मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आया तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। चलो आ रहा कौन सा समय, ठीक है, ये फॉर्मूला नोट करो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेते देन और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, नोट करो फॉर्मूला। चलो क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट क्वेश्चन, आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिया है यहां पे एक्स स्क्वायर इनटू लॉग ऑफ एक्स डीएक्स, ओके। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या डिसाइड करोगे, किसे यू लेना है किसे वी लेना है। तो लिएट रूल के हिसाब से यहां नोट किया करो, बाय एल आर ए टी ई, बाय लिएट रूल्स यू क्या आएगा, देखो अलजेब्रिक लॉग, लॉग पहले आता है अलजेब्रिक बाद में आता है, इसलिए क्या होगा, अब बोलोगे यहां पे लॉग को क्या लोगे, बाय लिएट रूल यू क्या होगा, लॉग एक्स, एंड वी क्या हो जाएगा आपके पास, वी हो जाएगा आपके पास एक्स का। तो सबसे पहले मेंशन करो कि लेट रूल के हिसाब से यू एंड वी क्या है, यू एंड वी डिसाइड हो गया। अब इसको जो फॉर्मूला डालते हैं, तो फॉर्मूला आपने लिख के रखा हुआ है यू एज इट इज, तो यू क्या मतलब लॉग ऑफ एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ वी, वी क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर डीएक्स, माइनस
इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ यू, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, फॉर्मूला है आपके पास लिखा हुआ नोटबुक में, तो डेरिवेटिव ऑफ यू मतलब लॉग ऑफ एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वी मींस एक्स स्क्वायर डीएक्स एंड पूरे का अगेन इंटीग्रेशन। आया फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, पहले डिसाइड करो सर यू कौन सा एंड वी कौन सा, यू एंड वी डिसाइड हो गया, डिसाइड होने के बाद जो आपका फॉर्मेट है फॉर्मेट याद ही कर लो कि यू एलडी रखना है इंटीग्रेशन भी लेना है, ठीक है। चलो अब ये इंटीग्रेशन आपको आता है कितना होगा, ये लॉग ऑफ योर एक्स, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस यहां पे लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइड बाय थ्री डी ऑफ एक्स। ये सॉल्व हो गया यहां पर इंटीग्रेशन, इसको मैं आगे लेता हूं एक्स क्यूब डिवाइड बाय थ्री इंटू लॉग एक्स माइनस यहां कुछ कैंसिलेशन कर ले, 1 by 3 बाहर निकाल लेता हूं कितना आएगा, अंदर आएगा x square dx, ठीक है। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज x cube divided by 3 into log x minus 1 by 3, x square का इंटीग्रेशन फिर से कितना आएगा x cube by 3 now plus c, इंटीग्रेशन कंप्लीट। तो फाइनल आंसर आ गया r is equal to x cube by 3 into log of x minus x cube by 9 plus c। इंटीग्रेशंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं, मैं यहाँ पे दोनों सिखा रहा हूं कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई कैसे करते हैं, आपको इंटीग्रेशन आता ही है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया 1.0, आपको सॉल्व वही इंटीग्रेशन पहले वाला ही करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिया हमने जो मैंने पहले सिखाया वही इंटीग्रेशन लेना है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लेना है और यहाँ क्या लेना है डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपको आता है, हम क्या करेंगे, मुझे अगर दो टर्म इंटू में है उसका इंटीग्रेशन लेना है तो हम क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और एक एक टर्म का इंटीग्रेशन लेने आपको आता है, ठीक है। इंटीग्रेट कर लो, सिंप्लीफाई करो ना, आंसर में ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू साइन ऑफ 3x d ऑफ x, ठीक है। चलो यह लगाएं यहां पे बाय l r a t रूल्स, ठीक है। अल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, अल्जेब्रिक पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, इसलिए क्या होगा u क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर एंड v क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ 3x, आया समझ में आता, ठीक है। चलो लगाएं रियल रूल अभी यहां पे बाय पार्ट्स, तो कितना होगा u as it is मतलब क्या होगा x square as it is इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब sin of your 3x dx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव किसका u का, u मतलब x square इनटू इंटीग्रेशन किसका v का sin of your 3x d of x एंड पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, हो गया था ना। साइन का इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल पता आपको, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर इनटू ये हो गया माइनस कॉस ऑफ 3x डिवाइड बाय 3 माइनस यहां पे ब्रैकेट के अंदर किसका डेरिवेटिव बोला है एक्स स्क्वायर का ट्वाइस ऑफ x, यहां पे माइनस कितना हो गया माइनस कॉस ऑफ योर 3x डिवाइड बाय 3 इनटू d ऑफ x। अब ये वाला पार्ट सिंपलीफाई करो एंड फिर से इंटीग्रेट, तो यह हो गया पास माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 3x बाय 3 माइनस एन बाहर ये प्लस हो गया 2 एन 3 भी बाहर निकाल दू तो कितना आ गया 2 बाय 3 बाहर आ गया x इंटू कॉस ऑफ 3x dx। अब यहां से देखो अब ये फिर से दो टर्म इंटू में आ गया मतलब यहां पे भी मुझे फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट रूल में क्या होगा अगेन ये अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, मतलब ये क्या रहेगा आपका फिर से ये u रहेगा और ये क्या रहेगा आपका v रहेगा, ठीक है। चलो तो यहां फिर से बाय पार्ट्स लगाए तो ये आएगा माइनस योर x स्क्वायर इनटू योर cos ऑफ 3x बाय 3 है तो ऐसे रहेगा माइनस प्लस प्लस 2 बाय 3 ब्रैकेट के अंदर u as it is क्या आएगा u मतलब x as it is इंटीग्रेशन कितना होगा cos ऑफ 3x dx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर किसका डेरिवेटिव u का d by dx of u, u मतलब आपके पास क्या है x है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब cos of your 3x thrice of x dx एंड पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, ठीक। एक बार प्रैक्टिस हो गया तो आपको पूरा लिखना नहीं है, डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन लिखते रहना, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव हो गया फॉर्मूला में डाल दिया हमने, ठीक है ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 3x डिवाइड बाय 3 प्लस 2 बाय 3 इन ब्रैकेट
एक्स इंटू कॉस का इंटीग्रेशन साइन कितना होगा साइन ऑफ 3x डिवाइड बाय डायरेक्ट ऑफ एंगल 3 माइनस डायरेक्ट ऑफ u x का रूट 1 इनटू कॉस का इंटीग्रेशन साइन ऑफ योर 3x बाय 3 एंड d ऑफ x आ रहा समझ में आता है ठीक है तो अब क्या आया यहां पे ये माइनस x स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ 3x बाय 3 प्लस 2 बाय 3 ये तो हो गया इंटीग्रेशन x इनटू कॉस ऑफ 3x बाय 3 माइनस 1 बाहर एंड 3 भी बाहर मतलब 1 बाय 3 बाहर इंटीग्रेशन कितना आ गया सर कितना है ये साइन ना तो साइन ऑफ योर 3x d ऑफ x ठीक अब ये इंटीग्रेट कर लो ओके कितना आ गया यहां पे इंटीग्रेशंस ये आ गया माइनस x स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ 3x बाय 3 प्लस 2 बाय 3 इनटू x ऑफ सर ये कितना है साइन ऑफ योर साइन ऑफ 3x तो x इनटू साइन ऑफ योर 3x बाय 3 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस माइनस ना का प्लस हो जाएगा और कितना आ गया ये कॉस 3x डिवाइड बाय 3 और ये 3 9 प्लस c हो गया इंटीग्रेशन कंप्लीट ओके दिस इज r इक्वल टू आपको चाहिए तो ब्रैकेट ओपन कर लो या एरेटेज कर लो ठीक है क्लियर अब बाय पार्ट्स यूज करने वाला या प्रोडक्ट रूल यूज करने वाला मैं बाय पार्ट्स रूल या प्रोडक्ट रूल इज द सेम मोस्टली सब बोलेंगे इसको बाय पार्ट रूल ठीक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं हम लोग आ रहा कौन समझ ठीक है नोट करो हो सकता है आपको जब भी आपको लग रहा है दो टर्म इनटू में आ रहा है मुझे इंटीग्रेट करना है तो आप क्या लगाओगे बाय पार्ट्स ठीक है नोट करो इसको क्वेश्चन नंबर 3 r इज इक्वल टू x इनटू tan इनवर्स ऑफ x dx ओके अब बाय लेट रूल r l a t e रूल्स कौन सा पहले आता है यहां पे ये इनवर्स और ये अलजेब्रिक है इनवर्स पहले आता है अलजेब्रिक बाद में आता है इसलिए इनवर्स u रहेगा मींस u क्या होगा आपका tan इनवर्स x एंड v क्या आएगा आपका x अप्लाई करें फार्मूला तो r is equal to क्या रूल्स u as it is मतलब क्या आ गया यहां पे tan इनवर्स x दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ v मींस x dx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर d by dx of u, u मतलब your tan inverse x into integration of vx dx and पूरे का फिर से integration यहां सॉल्व में फॉर्मूला लिख दिए अब आपको एक एक इंटीग्रेशन आता है tan inverse of x x का इंटीग्रेशन x square by 2 minus derivative of किसका tan inverse का 1 upon 1 plus x square into integration of v means x square by 2 ओके ये हो गया डायरेक्ट कंप्लीट इंटीग्रेशन कंप्लीट नाउ फॉर ऑल का डीएक्स चलो या तो समझ में ठीक है इसको सिंपलीफाई कर लो इज x स्क्वायर इनटू कितना होगा tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय 2 इसमें से ये 2 बाहर निकाल देता हूं इंटीग्रेशन कितना आ रहा x स्क्वायर अपॉन 1 plus x स्क्वायर dx ठीक है अब इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको एक लेक्चर बताया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन ठीक इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा वेरिएशन से आपको सब वेरिएशन याद रखने की जरूरत है ओके x square upon 1 upon 1 plus x square denominator का जो denominator and numerator का power same है तो इसको ऊपर arrange कर लेता हूँ तो कैसे हो जाएगा ये is your x into tan inverse of x divided by 2 minus 2 into यहाँ मैं arrange करता हूँ 1 plus x square minus 1 upon 1 plus x square dx okay मैंने क्या किया न्यूमरेटर में 1 ऐड किया एंड सेपरेट किया प्लस 1 किया माइनस 1 किया कैंसिल क्वेश्चन रिमेंस सेम ओके डिनोमिनेटर ऊपर एडजस्ट हो गया अब इसको स्प्लिट कर लो तो क्या आएगा ये x * योर tan इनवर्स x / 2 2 अपॉन ये 1 plus x square अपॉन 1 plus x square minus 1 अपॉन 1 plus x square into d ऑफ x याद है समझ में ओके ये कैंसिल हो गया तो आपके पास कितना आ गया x into tan inverse of x divided by 2 minus 2 into 1 minus 1 upon 1 plus x square d of x ठीक है तो ये हो गया x into your tan inverse of x minus 2 into अब चलो लिख ले इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x and 1 upon 1 plus x square का इंटीग्रेशन tan inverse plus c ठीक है जस्ट ओनली ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं r is equal to x into tan inverse x minus 2x plus 2 times tan inverse of x plus c ये हो गया फाइनल आंसर
ओके कुछ नहीं, बस बायपार्ट्स यूज करना, जब भी बायपार्ट्स यूज करोगे या प्रोडक्ट रूल जब भी यूज करोगे तो जो इंटीग्रेशन लेना है वो इंटीग्रेशन हमने पहले भी किया हुआ है, तो पहले वाले जितने भी इंटीग्रेशन किए वो सारे इंटीग्रेशन आपको आने चाहिए, ठीक है। नोट करो इसको, फिर एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स डीएक्स, ठीक है। अगेन वही क्वेश्चंस, कुछ सेम ही क्वेश्चंस हो गया, पहले एक्स था भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। मतलब आपको जो सेकंड इंटीग्रेशन आ रहा है बस वहां पे ही आपको एडजस्टमेंट करना है, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन सेम ही रहेगा। ओके तो यहाँ पे बाय एल आर ए टी रूल्स यू क्या हो गया आपके पास, ऑफकोर्स टैन इनवर्स, एंड वी क्या हो गया आपके पास, एक्स स्क्वायर। चलो अप्लाई करें फॉर्मूला, तो I is equal to U as it is, means your tan inverse of X as it is, integration किसका, X square dx minus integration के अंदर delta of U means d by dx of U, U कितना आपके पास, tan inverse of X into integration of V, V क्या आपके पास, X square dx and पूरे टर्म का फिर से इंटीग्रेशन। तो आगे आता ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन आपको आता है कितना होगा, ये tan inverse of x is x cube divided by 3 minus derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square, और इसका कितना आएगा x cube by 3 and पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। यहां तक आ रहा समझ में, ठीक है, क्योंकि पहला जो प्रीवियस क्वेश्चन किया वही है, ठीक है। तो अब कितना होगा ये x cube into your tan inverse of x divided by 3, अब सोचो इसका इंटीग्रेशन, पहले सिंपलीफाई कर लो, 1 by 3 बाहर x cube divided by 1 plus x square dx। अब ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है, तो यहां पे मेन क्या चल रहा है, रूल प्रोडक्ट रूल के बारे में डिस्कशन ज्यादा नहीं हो रहा है, आपको बेसिक इंटीग्रेशन आता ही नहीं है। तो मैंने बेसिक इंटीग्रेशन में एक लेक्चर बनाकर रखा हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शंस, ये वही हो गया। अब न्यूमरेटर का पावर अगर ज्यादा रहे, डिनोमिनेटर का पावर लेस रहे, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करते हैं। तो यहां पे सॉल्व करने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको, एक्चुअल डिवीजन। तो एक्चुअल डिवीजन कर ले, यहां पे ये आपके पास x क्यूब डिवाइड किससे करना है, x स्क्वायर प्लस 1 से, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। कितनी बार जाएगा ये x क्यूब है, किससे मल्टीप्लाई करें, x से, तो x क्यूब हो सकता है, तो ऊपर लिखो x मल्टीप्लाई करो कितना, x क्यूब प्लस x डिवाइड करें, कैंसिल माइनस कैंसिल, कितना आ गया माइनस x। अब ये x स्क्वायर और ये x नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर x आ गया, क्वेश्चन कितना होगा x हो गया, डिवाइजर कितना है d, और x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करें इंटीग्रेशंस में, मेरा इंटीग्रेशंस कितना होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इनटू टैन इनवर्स, मैं फास्ट क्यों करा हूँ, बिकॉज़ हमने डिटेल में लेक्चर्स किया हुआ इसपे, ठीक है। तो ये होगा एक्स क्यूब इनटू योर टैन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज, यहाँ क्या होता है 1 बाय 3, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर डी ऑफ एक्स, ठीक है। चलो सब्स्टिट्यूट करें, दिस इज एक्स क्यूब इनटू योर टैन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय 3 माइनस 1 बाय 3 क्वेश्चन क्वेश्चन x रिमाइंडर माइनस x अपॉन कितना यहाँ पे ये x स्क्वायर प्लस 1 d ऑफ x, वहां तक समझे, सेपरेट इंटीग्रेशंस, ये हो गया x क्यूब इनटू द टैन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय 3 माइनस 1 बाय 3 x dx माइनस माइनस प्लस 1 बाय 3 इनटू x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। सेपरेट इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन पता है x स्क्वायर बाय 2, यहां पे x square plus 1, अब ऊपर पावर लेस हो गया, इक्वल रहा तो एडजस्टमेंट, पावर ग्रेटर हो गया तो एक्चुअल डिवीजन, एंड पावर लेस हो गया तो चेक करो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ सकता है क्या। तो x square plus 1 का डेरिवेटिव 2x आया, मैं यहां पे x से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो डेरिवेटिव एडजस्ट हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला है इसके लिए, कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में रहे तो होल इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। कितना आएगा ये x cube into your tan inverse of x divided by 3 minus 1 by 3, ये हो गया आपके पास x square by 2, ठीक है, minus plus यहाँ मैं लिखता 1 by 6 ऊपर लेता twice of x upon x square plus 1 dx, क्लियर, ओके। इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो डायरेक्टली क्या होगा, होल इंटीग्रेशन क्या होगा, log of denominators, तो फाइनली आंसर आपके पास आ गया यहाँ पे x into x cube into tan inverse x divided by 3 minus 1 by 6 into x, so कितना है ये x square ना, x square plus 1 by 6 into log of x square plus 1 plus c, ये हो गया final integrations।
ऐसा हूं यहां पे। ओके अब मैं ज्यादा स्ट्रेस किस पे लूंगा, इंटीग्रेशन, ये जो बेसिक इंटीग्रेशन में ज्यादा स्ट्रेस में नहीं लूंगा। मैं क्या क्या डिस्कस कर रहा हूं यहां पे कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। सब ये जो आ रहा है ना सिंगल इंटीग्रेशन आ रहा है, ये सब मैंने बेसिक में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ठीक है, या तो समझ में नोट करो। चलो नोट करने के बाद अब मैं कुछ सिमिलर क्वेश्चंस और क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, ठीक है। पहले ये नोट करो, बताता कौन कौन से सिमिलर क्वेश्चंस है, नोट करो इसको। तो सिमिलर क्वेश्चन कौन कौन से है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है यहां पे 5, देन क्वेश्चन नंबर 8, देन क्वेश्चन नंबर 9, देन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन, ये टोटल 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप सॉल्व करो सिमिलर क्वेश्चन, सीधा सीधा बाय पार्ट्स लगाना है एंड देन सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया रहेगा तो ये 5 क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन आएगा उसमें डायरेक्टली बाय पार्ट्स नहीं लगाना है, वहां पे हम पहले सब प्रोडक्शन करेंगे देन बाय पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है। चलो इसको नोट करो, मैं रफ करता हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब इस क्वेश्चन में तो है आपके पास एक ही टर्म्स, तो बाय पार्ट्स कैसे लगाओगे, ठीक है। अब यहां पे मैंने बता दिया कि log आया तो इंटू वन कर दिया करो, बट ये log ऑफ x दी स्क्वायर है, इंटू वन के कर, इंटू वन लेके करोगे तो फंस जाओगे इसमें, क्योंकि क्या होगा मुझे यहां पर अगर मैंने इंटू वन कर दिया कुछ ऐसा इज वन इंटू log ऑफ योर x दी होल स्क्वायर डी ऑफ x, तो मैं इसको u बोलूंगा इसको v बोलूंगा, एंड u का डेरिवेटिव क्या आएगा थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, 2 इंटू log ऑफ x बाद में log x का 1 बाय x आएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगा। अब कर सकते हो बट इसके लिए एक शॉर्टकट क्या रहेगा, मैं यहां पे सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेता हूं। मैं क्या करता हूं कि पुट करो log ऑफ योर x इज इक्वल टू t, तो आपका क्वेश्चन आएगा सर log x का तो डेरिवेटिव है ही, तो पुट क्यों कर रहे हो, ऑफकोर्स नहीं है। तो जब भी नहीं है डेरिवेटिव तो मैं क्या करूंगा, मैं x इज इक्वल टू e रेस टू t कर सकता हूं, log को शिफ्ट कर क्या बनेगा e रेस टू t, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा x का वन, यहां कितना आएगा e रेस टू t dt by dx, तो dx शिफ्ट होगा कितना आएगा dx equal to e raise to t dt, इस टाइप का भी सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हो। मैंने क्या किया log x को t पुट कर लिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब बोलूंगा सर log x का डेरिवेटिव तो है ही नहीं क्वेश्चंस में, तो मैं यहां से log को शिफ्ट करके x equal to कर लेता हूं, क्योंकि log x t हो जाएगा बचा dx को हटाना है, तो मुझे dx को हटाने के लिए वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं log x को log को शिफ्ट कर लिया x equal to e raise to t हो गया, अच्छा मैं इसको डिफरेंशिएट करूं मत क्या होगा x का 1 यहां e raise to t dx by dt आ गया, सो dt by dx, dx को शिफ्ट कर लो तो dx कितना होगा e raise to t dt हो जाएगा। इस टाइप का भी सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हो अगर लग रहा है कि क्वेश्चन में डेरिवेटिव नहीं है। अब देखो ये कैसा बन जाएगा क्वेश्चंस, अब ये होगा r is equal to, ये हो गया t square e raise to t dt, ऐसा में आता, ठीक। अब यहां पे अब लगा सकते बाय पार्ट्स u टू v रूल, ओके। अब क्या होगा बाय लेट रूल, लेट रूल के हिसाब से बाय l i t e लेट रूल u क्या रहेगा अल्जेब्रिक, t इज अल्जेब्रिक, e कितना एक्सपोनेंशियल, अल्जेब्रिक पहले आ रहा है एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, मतलब t क्या होगा आपका u हो जाएगा, एंड आपका जो ये v क्या होगा e रेस टू t, ठीक। अब चलो बाय पार्ट्स लगा रहे हैं यहां पे, तो r is equal to क्या होता है बाय पार्ट्स का रूल्स u as it is, तो क्या आ गया यहां पे t square as it is integration of e raise to t dt minus integration के अंदर derivative of क्या लोगे यहां पे d by dt of your u means t square into integration of क्या रहेगा v, तो integration of e raise to t dt एंड पूरे का फिर से integrations। चलो यह तो समझ में आया, ओके। अब इसको परफॉर्म कर लेते हैं, कितना आ गया is a t square as it is e raise to t का integration e raise to t ही होता है, तो यहां e raise to t upon derivative of t is 1 log of e1 ये minus t square का derivative 2t into e raise to t का integration e raise to t dt, ओके। साथ मुझे फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहां पे फिर से बाय पार्ट लगा लेंगे, ओके। या तो समझ में तो t square e raise to t minus 2 outside t into e raise to t dt, ओके। अब यहां पे फिर से बाय पार्ट लगा लो, ठीक है। बस मेरा मेन काम क्या था कि यहां पे सब्स्टिट्यूशंस कर लो। अब वो लग रहा है कि डायरेक्टली बाय पार्ट्स नहीं लग रहा है,
आप इंटू वन करके अलग कर सकते हैं बाय पार्ट्स, बट वन करके इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लीकेट होगा, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन करके भी क्या क्वेश्चन सिंप्लीफाई करो बाय पार्ट्स करो। सब्स्टिट्यूशन का एक्चुअल यूज ही क्या था कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, याद तो समझ आ गया। अब चलो क्या करता हूं मैं आपको, ये टी स्क्वायर ई रेस टू टी माइनस टू, इसमें फिर से बाय पार्ट्स लगा लो। चलो ये क्या आएगा, ये यू रहे और ये क्या आएगा वी, ठीक है। तो u as it is, t as it is, integration of e raised to t dt minus integration के अंदर derivative of u means d by dt of t into integration of v means e raised to t dt and पूरे का फिर से integrations, clear? Simplify कर ले इसको। तो ये हो गया t square e raised to t minus 2 times कितना होगा, t e raised to t का integration e raised to t minus derivative of t 1 हो गया e raise to t का integration e raise to t and dt as it is। चलो आ रहा समझ में आता, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर ये दोनों पूरा ब्रैकेट सॉल्व करो, जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। चलो तो यहां पे क्या होगा, ये t square e raise to t minus 2 times कितना हो गया आपके पास 2 times, ये हो गया t e raise to t minus e raise to t into 1 मतलब e raise to t का इंटीग्रेशन e raise to t, ओके कंप्लीट प्लस c, ये होगा इंटीग्रेशन। अब बस करना क्या है, यहां पे इसका वैल्यू पुट कर दो, e रेस टू t का वैल्यू क्या है आपके पास x है, हर कौन सा है, ठीक है, एंड t का वैल्यू कितना है log of x है। तो फाइनली आंसर्स, ठीक है, नोट किया मैं अल्फा होता है यहां पे, तो फाइनली आंसर कितना आएगा, r इज इक्वल टू आपका v लेता हूं, v कितना था आपके पास e रेस टू t, ठीक है, r इज इक्वल टू ये क्या होगा log of x d स्क्वायर * x माइनस यहां ब्रैकेट ओपन करता हूं, ये क्या होगा log of your x into x, x को मैं आगे लिखता हूं तो twice of x minus e raise to t कितना x है minus minus ना तो plus 2 times x plus c। आना वैल्यू कैसे पुट किया, t मतलब log of x, log of x का स्क्वायर, e raise to t is nothing but x, okay, bracket open को 2 into t log of x e raise to t कितना है बस x है यहां पर, ठीक है ना, और e raise to t x सब्स्टिट्यूट किया ना सर, ठीक है। मतलब एक बार बाय पार्ट्स हो गया, सॉल्व हो गया, अगर आपको लग रहा है कि फिर से बाय पार्ट्स लगाना है तो फिर से लगा सकते हैं बाय पार्ट्स, क्लियर समझ आता है, ठीक है, नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, r इज इक्वल टू sec क्यूब ऑफ x dx, ओके। अब यहां पे भी एक टर्म्स आ गया, तो मैं क्या करता हूं इसको ब्रेक कर लेता हूं, कैसे ब्रेक करता है यहां पे, is a sec of x into sec square x dx। अब लोग ऐसे की तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, अब लेयर रूल से कैसे डिसाइड करें कि किसको u ले किसको v ले, ओके हम करते क्या है u का डेरिवेटिव लेते हैं v का इंटीग्रेशन लेते हैं, तो यहां पे इसका इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा, sec square का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है tan हो सकता है, तो आप इसको v लो और इसको u लो, मतलब यहां लेयर रूल लगा ही नहीं सकते, LID रूल के जो LID का सीक्वेंस है इसमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक ही है, आप सीक्वेंस कहां से लगाओगे, तो ऐसे केस में कभी फंस गया तो उसमें क्या होगा, जिसका डेरिवेटिव जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है और सिंपल इंटीग्रेशन आएगा उसको भी लेना, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा u हो जाएगा, तो किसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है sec square का इंटीग्रेशन इजीली आ जाएगा सिंपल, तो इसको हमने v ले लिया और इसका क्या होगा u लेगा, ऐसा क्यों लिया बिकॉज मैं v का इंटीग्रेशन लेता हूं और किसका इंटीग्रेशन इजी रहेगा sec square का, ठीक है, चला गया लेयर टू, तो क्या सॉरी by parts, तो u as it is मतलब sec of x as it is integration क्या आएगा sec square x d of x minus integration के अंदर d by dx of u मतलब sec of x into integration of v means sec square x dx and पूरे का फिर से integration, चल यहाँ पर समझ में okay, अब ये क्या होगा sec x into sec square का integration tan of x minus इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव ऑफ sec कितना होता है sec ऑफ x into tan ऑफ x into इंटीग्रेशन ऑफ sec x कितना होता है tan ऑफ x d ऑफ x, ओके यहां पे ये टर्म्स कितना आ गया आपका, ये तो सॉल्व हो गया, कितना हो गया ये sec ऑफ x into tan ऑफ x माइनस ये हो गया आपके पास sec ऑफ x into tan स्क्वायर x dx, ठीक। अब यहां से एक एडजस्टमेंट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो आगे इंटीग्रेशन मिलेगा आपको, क्या एडजस्टमेंट है ओके ये हो गया sec of x into tan of x, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये तो sec of x हो गया, अब मैं इसको लिखता हूं यहां पे sec square x minus 1 dx, याद है आइडेंटिटीज ओके, इस ब्रैकेट को ओपन किया तो कितना आ जाएगा ये
sec ऑफ x into your tan ऑफ x minus इंटीग्रेशन कितना होगा ये sec cube x minus sec ऑफ x dx। अब बोलोगे सर आपने tan square को sec square क्यों लिखा, ठीक है बता दो, देखो sec tan square हो गया sec square minus 1, तो ब्रैकेट ओपन किया sec cube minus sec x आ गया। ओके अब मैं इसको ब्रैकेट ओपन किया तो ध्यान से देखो आपको आंसर मिल जाएगा, मैंने इस tan square को sec square क्यों लिखा, ध्यान से ये हो गया sec of x into tan of x minus दो इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे, एक हो गया sec cube x और कितना ये cube ना sec cube x dx minus minus कितना होगा plus integration of ये कितना होगा sec of x dx। अब बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन फिर से, अब कोर्स मुझे क्वेश्चन फिर से लाना ही था, ठीक है ये वाला एडजस्टमेंट आपको मिलेगा, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को मैंने आ लिखा था तो मैं यहां लिख सकता हूं ये sec of x into sec of x into tan of x minus i और ये तो इंटीग्रेशन आता है तो कितना होता है log of your sec of x plus tan of x plus c, ठीक है इस i को इस साइड लेके आओ कितना हो जाएगा ये twice of i is equal कितना होगा sec of x into tan of x plus कितना हो गया log of your sec of x plus tan of your x plus c। आपको आंसर मिल गया रहता कि मैं यहाँ पे tan square को sec square क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं sec square लिखूंगा तो मुझे मिलेगा sec cube तो मेरा क्वेश्चन था ये बन जाएगा i, इसको इधर शिफ्ट कर दो 2i हो गया ऐसा मैं पे, ठीक है तो फाइनल आंसर कितना होगा यहाँ पे ये होगा i is equal to 1 by 2 ब्रैकेट कितना आ गया यहाँ पे ये sec of x into tan of x plus log of sec of your x plus your tan of x plus c, this is the answer। ओके ये एक स्पेशल टाइप क्वेश्चंस हो गए, ठीक है मुझे बाय पार्ट्स यूज करना था, यहां लीड रूल नहीं लगाया हमने, ठीक है ऐसा डिसाइड किया जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकता है उसको हमने क्या लिया v लिया, बाय पार्ट्स लगाया, बाय पार्ट्स में ऑफ कोर्स ये sec क्यूब आपको हटेगा ही नहीं, तो मैंने ऐसा एडजस्टमेंट किया कि क्वेश्चन फिर से आ जाए और वो i बन के वापस पास ला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसा समझ आता, ठीक है इसको नोट करो क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए रहेगा तो एक क्वेश्चन और है जो लास्ट ईयर बोर्ड में आया हुआ लास्ट टू लास्ट ईयर, इंटीग्रेशन ऑफ योर कोसेक क्यूब ऑफ एक्स डीएक्स इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ और एग्जाम में क्वेश्चन है प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर कोसेक क्यूब ऑफ डीएक्स का इंटीग्रेशन पूछा गया, एक्सरसाइज में नहीं है बुक में है नहीं ऐसा क्वेश्चन, फिर भी ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, ठीक है चलो नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ log x डिवाइड बाय x dx, ठीक है अब यहां पे log ऑफ log x डिवाइड बाय x लिखा हुआ है, ठीक है आपको समझ में आ रहा है कि सर मुझे किसको पुट करना चाहिए यहां पे log x को t पुट करना चाहिए बिकॉज़ 1 बाय x उसका देर पे दिया हुआ है, तो पुट कर ले यहां पे log ऑफ योर x इज इक्वल टू t और log x को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं बिकॉज़ उसका देर तो है यहां पे, तो डिफरेंशिएट कितना 1 अपॉन x यहां कितना आएगा dt by dx तो 1 अपॉन x dx इक्वल कितना हो गया dt, सब्स्टिट्यूट करें तो r इज इक्वल टू ये हो गया log ऑफ t एंड डिवाइड बाय x into dx कितना हो गया dt। चलो अब ये ओनली log आ गया, अब वो नोट याद रखो जो मैंने फॉर्मूले में डिस्कस किया था, अगर ओनली log आ रहा है सिंपल है तो into 1 करके बाय पार्ट्स लगा लो, तो यहां क्या करता हूं मैं into 1 करता हूं एंड log of t dt, ओके बाय लेयर रूल क्या हो जाएगा यहां पे बाय लेयर रूल यू क्या रहेगा आपके पास log t एंड v क्या रहेगा 1, ठीक है अप्लाई करें यहां पे तो देयरफॉर i इज इक्वल टू u एज इट इज मींस log of t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v ओके dt माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव किसका u का मींस d by dt of your log of t integration v कितना है 1 dt एंड पूरे का फिर से इंटीग्रेशंस आ रहा है हमें सबमिट करने फॉर्मूला, ठीक है तो ये हो गया आपके पास log of t t 1 का इंटीग्रेशन t माइनस log t का डेरिवेटिव मींस 1 upon t 1 का इंटीग्रेशन t एंड dt, ठीक है फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया मेरे पास करना नहीं है सबस्टिट्यूशन लिखना है, ठीक है फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया इंटीग्रेशन आपका होता तो ये कितना होगा t इनटू कितना होगा log t माइनस यहां t t कैंसिल कितना आएगा 1 बचेगा सिर्फ 1 dt, ठीक है
तो ये हो गया टी इंटू लॉग ऑफ योर टी माइनस वन का इंटीग्रेशन टी प्लस सी, दिस इज आर इक्वल टू, ठीक है, टी कॉमन निकाल लो यहां से, टी इंटू ब्रैकेट में कितना आएगा लॉग ऑफ योर टी माइनस वन प्लस सी। ओके नाउ टी कितना था, टी टी इज अ लॉग एक्स, सबस्टिट्यूट कर ले यहां पे, तो यह आएगा आर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इन ब्रैकेट लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस सी, ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन यूज करके क्वेश्चन को सिंपल बना सकते हो। तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं सर, इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या होगा क्वेश्चन सिंपल हो गया है, बाय पार्ट्स यूज कर लेना, ठीक है, चलो समझ में आए क्वेश्चन नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आर इज इक्वल टू टी इंटू इज टी टी इंटू साइन इनवर्स ऑफ टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर डी टी। ओके क्लियर कट दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, किसे सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए आपको साइन इनवर्स को, बिकॉज वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है, तो पुट कर ले यहां पे, तो पुट साइन इनवर्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स करता हूं बिकॉज क्वेश्चन डी में दिया हुआ, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करें कितना आएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, यहां आएगा डी एक्स बाय डी टी, शिफ्ट कर ले इसको यहां पे, तो वन अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, ऐसा में आता है, ठीक है, अब चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आर इज इक्वल टू पुट करो इसमें, ओके अब यहां टी साइन इनवर्स टी इज इक्वल टू एक्स है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर ये टी इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स हो सकता है, साइन इनवर्स को शिफ्ट करो, ठीक है, तो ये टी कितना हो जाएगा साइन ऑफ योर एक्स इंटू साइन इनवर्स टी कितना है आपका एक्स है, एंड वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर डी टी कितना हो गया डी एक्स हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, अभी कर सकते हो सर क्वेश्चन, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये हो गया एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डी एक्स आर इक्वल टू, आगे बाय पार्ट्स बनाना है, ठीक है, चलो यह समझना है, ठीक है, तो बाय पार्ट्स, तो पहले रूल्स के हिसाब से बाय लियर रूल, रूल यू क्या रहेगा अल्जेब्रिक, एक्स क्या अल्जेब्रिक है साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अल्जेब्रिक पहले आ रहा है, मतलब एक्स यू हो गया, वी क्या हो गया साइन ऑफ एक्स, ठीक है, तो लगाओ बाय पार्ट्स, आर इज इक्वल टू यू एज इट इज, यू यू क्या है एक्स, एक्स इंटू इंटीग्रेशन किसका साइन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव किसका डी बाय डी एक्स ऑफ यू एक्स, ओके इंटीग्रेशन किसका वी का मीन साइन ऑफ योर एक्स डी ऑफ एक्स पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, क्लियर, सिंप्लीफाई कर लो, ये तो बहुत इजी है, एक्स इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ एक्स डीएक्स, ठीक है, एक्स और हो गया ये माइनस एक्स इंटू कितना होगा ये कॉस ऑफ एक्स माइनस वन माइनस साइन बाहर निकाल दो प्लस इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स डीएक्स, ठीक है, अब इंटीग्रेशन आपको आता ही है ये माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स और ये कितना होगा प्लस साइन ऑफ योर एक्स प्लस सी, दिस इज आर इक्वल टू, हो गया यहां तक ना, अब वैल्यू रिटर्न सब्स्टिट्यूट कर दे, व्हाट अबाउट एक्स, एक्स 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 इज साइन इनवर्स टी, ठीक है, तो यहां आएगा ये एक्स साइन इनवर्स ऑफ टी इंटू कॉस के अंदर साइन इनवर्स ऑफ कितना हो गया टी प्लस साइन ऑफ कितना हो गया साइन इनवर्स ऑफ टी, या इसको लिख दो साइन एक्स को कितना टी है, तो यह डायरेक्टली टी प्लस सी, दिस इज आर इक्वल टू, ओके अब ऐसे क्वेश्चन नहीं करूंगा जो सब्स्टिट्यूशन के बेसिक सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन मैं वो आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं, ठीक है, समय यहां समझ में आया था क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया, सिंपल सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया एंड उसमें बाय पार्ट्स लगा दिए, अब ऐसे क्वेश्चन कितने हैं देखो जस्ट नोट करो, ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से कर रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास एक 16 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, देन क्वेश्चन नंबर 18, देन क्वेश्चन नंबर 19, देन क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर यू कैन से 18, ओके सॉरी 18 दिया मैंने ऑलरेडी, ओके हाँ, तो
16 हो गया, देन 18 हो गया, देन क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। ये तीन क्वेश्चंस एग्जैक्टली सिंपल सबट्रैक्शन के क्वेश्चंस है, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं, इसे आप कंप्लीट करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्लियर कट दिख रहा है कि इसको पुट करो इसका डेरिवेटिव है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन कर दो, रिमेनिंग क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 is r is equal to cos of root of your root of x d of x। okay, अब इस क्वेश्चंस में अगेन ही सिंगल टर्म्स है, cos का इंडिकेशन बोलो सर डायरेक्टली ले सकता हूं, बट ये root x भी दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं इसका इंडिकेशन डायरेक्टली नहीं कर सकता। ठीक है, प्रॉब्लम किसकी वजह से है, root x की वजह से है, तो root x को t पुट कर लेता हूं। ठीक है, पुट root of x is equal to t। अब रूट एक्स पर डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया तो 1 बाय 2 रूट आ जाएगा, 1 बाय 2 रूट तो है नहीं क्वेश्चन में, तो मैं क्या करता हूं, बोथ साइड स्क्वायरिंग किया, तो x इक्वल कितना होगा t स्क्वायर, अब कर लो डिफरेंशिएशन, कितना आएगा इसका 1, इसका आएगा ट्वाइस ऑफ t dt बाय dx, dx शिफ्ट कर लो, dx कितना आएगा 2t dt। आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, क्यों कर रहा है ऐसे, अगर मैंने रूट एक्स को क्यों t पुट किया, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, ठीक है, ऐसा लिख के तो नहीं आएगा ना, ये बाय पार्ट से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो cos x का इंडिकेशन हो सकता है, बट cos ऑफ रूट एक्स का इंडिकेशन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है, cos का इंडिकेशन कितना आएगा, sin आएगा डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल, रूट एक्स का डेरिवेटिव वेरिएबल आ जाएगा, मैंने क्या बताया था, अगेन डेरिवेटिव कांस्टेंट आना चाहिए, इसमें ना बेसिक इंडिकेशन मैंने अलग बना कर रखा लेक्चर्स। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, इस रूट की वजह से नहीं कर सकता। ठीक है, ये रूट हमें हटाने की जरूरत है, तो रूट एक्स को टी पुट कर दिया, अब डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाय 2 रूट आएगा, 1 बाय 2 रूट तो क्वेश्चन में है नहीं, इसमें क्या करता है स्क्वायरिंग करता है उससे, अब डिफरेंशिएट किया तो x का 1 t स्क्वायर का 2t इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ t कितना आ गया dt बाय dx, शिफ्ट करो dx कितना आ गया 2t dt। इस टाइप का इंटीग्रेशन जो हम लोग यहां पे ये सब्स्टिट्यूशंस कर रहे, पहले भी किया था मैंने क्वेश्चंस, log x को t पुट किया, देन x इक्वल टू e रेस्ट टू t कर लिया, ये स्मार्टनेस आपके पास आना चाहिए। अरे समझ में, ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार करके रखना, ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है, कि आप ऐसा भी कर सकते हो, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलो पुट करें यहां पे, तो r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना होगा, ये तो हो गया cos ऑफ t, और यहां क्या आएगा 2 dt, तो आई थिंक मैं इसको बाहर निकाल, कितना होगा t * कितना होगा ये cos t dt। ठीक है, अब बाय लेट रूल लगा देते हैं यहां पे, तो बाय लेट रूल क्या हो जाएगा, बाय L I T लेट रूल U क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक पहले आ रहा है, मतलब U T हो गया है, V कितना हो गया आपके पास cos of T, लगा ले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तो R is equal to by parts का रूल्स U as it is means T as it is इंटीग्रेशन ऑफ योर V मतलब cos T dt माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव ऑफ U T by dt ऑफ U मतलब T into integration of v means cos of t dt and poega फिर से integration, ऐसा हमने, ठीक है, अब आगे integration आपको आता है, this is t, cos का integration कितना होता है sin of t, of course sin of t minus integration t का integration, sorry t का derivative 1 हो गया, cos का integration कितना होगा sin of your t dt, ठीक है, 1 into sin t, sin t होगा, sin t को फिर से integrate कर ले, तो this is t into your sin of t कितना होगा माइनस कॉस ऑफ योर टी माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस आर इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेट, टी का वैल्यू पुट कर ले, टी कितना है रूट ऑफ एक्स, तो डाल देते हैं वैल्यू, तो आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ योर रूट ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ योर रूट ऑफ एक्स प्लस सी। आर समझे, मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन बहुत ही काम की चीज है, अगर सब्स्टिट्यूशन आएगा तो क्वेश्चन मिनिमाइज कर सकते हो, आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो क्वेश्चंस, बस सब्स्टिट्यूशन यूज करने आना चाहिए सिस्टमैटिक। ठीक है, रैंडमली अगर सब्स्टिट्यूशन पुट कर यूज कर लोगे तो क्या होगा, क्वेश्चन छोटा सिंपलीफाई होने से बाद क्या होगा मैक्सिमाइज हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो आया समझ में आता, ठीक है, नोट करो इसको, नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मैं सिमिलर क्वेश्चन इसका 21 क्वेश्चन लेता हूं, I is equal to क्या दिया है यहाँ पे questions, बाकी क्वेश्चन मैं लूंगा, जस्ट वेट करो, ठीक है, डर मत, is a cube root of your x d of x, आपको समझ में आ गया किसको पुट करना चाहिए, cube root of x को, तो यहाँ पे पुट करो cube root of x को t,
तो कितना आएगा ये x इज इक्वल टू टी क्यूब हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करो कितना आएगा यहाँ पे, ये 1 ये आएगा 3t स्क्वायर dt by dx, सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आपके लिए होमवर्क होना चाहिए, आप कर सकते हो ये क्वेश्चन, आप इतने समझदार आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसको, ठीक है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे दो बार बायपार्ट्स आएगा, सेकंड टाइम बायपार्ट्स लगाने आपको आता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 21 क्वेश्चन नहीं करता हूं, ठीक है, मुझे भी शर्म आ रही है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन करने के लिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है। चल इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक, चल नोट करो इसको यहां तक, या कंप्लीट करो वीडियो पॉज करो एंड कंप्लीट करो। नेक्स्ट दो क्वेश्चन बाकी, 17 क्वेश्चन, r इज इक्वल टू यहां दिया x इनटू cos क्यूब ऑफ x dx। ये क्वेश्चन है सिंपल, cos क्यूब का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो पहले आपको क्या करना होगा, यहां पे बोलोगे सर ये बाय लिएट रूल ये u हो जाएगा और ये क्या होगा v, तो v का मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, मतलब cos क्यूब का इंटीग्रेशन चाहिए। तो cos क्यूब का इंटीग्रेशन निकालने के लिए तो cos क्यूब का इंटीग्रेशन मैं निकाल नहीं सकता, ठीक है। तो cos क्यूब को मुझे रिप्लेस करना चाहिए, बेसिक इंटीग्रेशन में डिस्कस किया हमने, ठीक है। तो क्या करोगे यहां पे, cos क्यूब को रिप्लेस करो, तो मुझे पता है कि सर cos 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 ऑफ 3x का फॉर्मूला कितना है, 4 cos ऑफ योर क्यूब ऑफ x माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos ऑफ योर x, ये फॉर्मूला है cos क्यूब x का, ठीक है। यहां से cos क्यूब का वैल्यू निकाल लो, शिफ्ट किया कितना आ गया, cos ऑफ 3x प्लस 3 टाइम कितना आ गया, cos ऑफ x इक्वल टू 4 टाइम cos क्यूब ऑफ x, है सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। शिफ्ट करो कितना आ गया, 1/4 इनटू cos ऑफ 3x प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x इज अ वैल्यू ऑफ cos क्यूब ऑफ x, ठीक है। अब इसको डालते हैं इसमें, तो r इज इक्वल टू 1/4 बाहर रखता हूं, इंटीग्रेशन x इनटू cos ऑफ योर 3x प्लस 3 टाइम्स कितना होगा cos ऑफ x dx, ओके। अब कर सकते हो बाय पार्ट्स, क्योंकि ये आप बोलोगे v और इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, ठीक है। चलो बाय लेयर रूल मैं लिख दो यहां पे, ये क्या होगा u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा v हो जाएगा, लगाए बाय पार्ट्स फॉर्मूला, ओके। तो बाय पार्ट्स क्या बोलता है यहां पे, इस ये 1/4 एज इट इज इन ब्रैकेट, ठीक है, या 1/4 मैं इधर शिफ्ट करता, दिस इज अ 4 टाइम्स ऑफ r, बाद में ले लूंगा वापस, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट कॉम्प्लिकेट कर देगा। चलो u as it is means x as it is, integration किसका, v का, मतलब कितना cos of your 3x plus 3 times of your cos of x d of x minus integration के अंदर derivative किसका u का d by dx of x into integration किसका cos of your 3x plus 3 times cos of x d of x, clear, and फिर से उसका integration, clear ना। अब इंटीग्रेशन आपको आता है, ये x into cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin of 3x of cos divided by 3 plus 3 into cos का इंटीग्रेशन होगा sin of your x divided by 1, no need to write, minus यहाँ पे x का derivative 1 हो गया, no need to write, cos का इंटीग्रेशन कितना होगा sin of your 3x divided by 3 plus 3 times कितना होगा sin of x dx। क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, बस था क्या यहाँ पे, cos क्यूब का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो cos क्यूब को रिप्लेस कर दो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक बार और इंटीग्रेट कर ले यहां पे, x into ये हो गया sin of 3x upon 3 plus 3 times sin of your x minus यहां पे sin का इंटीग्रेशन minus cos, तो यहां कितना आएगा minus of cos of 3x divided by 3, तो 9 हो जाएगा अभी, minus 3 times इसका भी कितना होगा sin का कितना होगा ये minus cos cos of x plus c, ओके इंटीग्रेशन कंबाइन कर ले, तो ये हो गया x into ब्रैकेट पूरा ओपन कर लेता हूं, x into sin of your 3x by 3 plus 3x into sin of your x minus minus plus cos of your 3x by 9 plus 3 times cos of your x plus c, this is r equal to, चलो as on में, ठीक है। तो यहां पे कितना था, ये 4 आया था, इसका आया मैंने दर्शित करता था, ये 1/4 into कर दो, क्लियर, या तो समझ में, ओके। चलो तो अब ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, इसके बाद एक क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 20 एग्जैक्टली आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन दिया हुआ है x इज इक्वल x इनटू योर साइन ऑफ योर
साइन ऑफ 2x इनटू कॉस ऑफ योर 5x dx. ओके, मैंने होमवर्क क्यों दिया, जैसे मैंने यहां ये बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन से सिंप्लीफिकेशन करना था, यहां भी वही करना है. क्या करना, आप इसको फैक्टराइज करना, ब्रेक कर देना, ठीक है, ब्रेक करके दो बाईपार्ट्स बन जाएगा, दोनों सॉल्व कर लोगे, ठीक है. नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है. तो ये क्वेश्चन होमवर्क, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज नंबर 3.3 का ये क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब ये जो क्वेश्चन हमने किया, क्वेश्चन नंबर 1, ये बाईपार्ट से रिलेटेड था, यू इनटू वी से था. अब क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में बाईपार्ट्स नहीं है, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है. चलो नोट कर लो, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने होमवर्क दिया है इसे कंप्लीट करना, अगर नहीं आया तो मुझे मैसेज करना, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. तो आज के लेक्चर में इतना ही कंप्लीट करते हैं, बाकी